जादवों के गढ़ भवानीगढ़ में गर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। खबर मैनपुरी किशनी से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। नारा नेताजी की पहचान थी। उन्होंने कहा, सभी ग्राम एवं क्षेत्रवासी एक वोट से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे। नेताजी की कर्मभूमि से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी मतों से विजय बनाए। सपा सरकार में क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस तरह विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों ने सपा को जिताया, इस बार सब लोग अधिक से अधिक वोट देकर इतिहास बनाए एवं चुनाव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बिना नेताजी के ये पहला चुनाव है। एक्सप्रेस से लेकर सैनिक स्कूल तक नेताजी की देन है। भाजपा ने हमेशा मैनपुरी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिसके चलते भाजपा तरह तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि मैनपुरी में संपूर्ण विकास सपा सरकार में होता रहा है। इस बार मैनपुरी का नौज सीमावर्ती क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाए। सभी ग्राम सभा गोपालपुर कैथौली भवानीगढ़वासी, जैसा रिश्ता नेताजी के साथ रहा है वैसा ही रिश्ता बरकरार रहेगा। इस मौके पर प्रधान संतोष बाबू ने चांदी का मुकुट पहनाकर एवं भगवान श्री कृष्ण की फोटो से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का सम्मान किया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, ब्रजेश कठेरिया, पुष्पेंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज यादव, विनोद पूर्व प्रधान राम दुलारे आदि कई समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये चुनाव कब हो रहा है करके देखिए हमारे आपके नेता जान के होंगे। और जब कभी उन्हें मौका मिला उन्होंने किसान गरीब और मनवालों के लिए काम किया। और आज जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको याद कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाई। नेताजी ने बहुत महत्वपूर्ण, आज जो फौज का जवान पुराने लोग जानते होंगे, पहले अगर कोई अपना जवान शहीद हो शिलान्यास करेंगे। हम लोगों ने नेताजी की बात मानी और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 में 23 महीने में इस नेताजी से उद्घाटन करवाया था। जब नेताजी ने उद्घाटन किया था